नमस्कार। शिक्षा की नगरी बानसूर में नीट आईआईटी फाउंडेशन कक्षाओं का आगाज आज विद्यार्थियों की बहुत अधिक संख्या के साथ हो चुका है। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए समस्त फैकल्टियां यहां आज विद्यार्थियों को डेमो कक्षाओं में पढ़ा रही हैं। विद्यार्थियों के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कहना चाहूँगा अभिभावकों को और विद्यार्थियों को कि आपने बहुत बड़ा विश्वास आरसीआई पर किया और आज बहुत बड़ी संख्या में कक्षा 11वीं और 12वीं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम फाउंडेशन कक्षाओं के लिए 5 सेक्शंस में आप लोगों ने आज उपस्थिति दर्ज करवाई है। मैं विश्वास दिलवाता हूँ कि जो सिस्टम विद्यार्थियों के साथ में शेयर किया गया है, जो सिस्टम बताया गया है, वो कंप्लीट सिस्टम इस प्रकार से तैयार किया गया है कि बानसूर में आने वाले नीट आईआईटी के जो रिजल्ट्स हैं वो किसी बड़े शहर से तुलना करने पर प्रतिशत में बहुत अधिक और बहुत उच्च स्तर के रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके लिए विद्यार्थियों के लिए यहाँ नियमित डाउट काउंटर्स की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग डाउट काउंटर्स और चैम्बर्स बनाए गए हैं। विद्यार्थी अपने उस डाउट्स को जो हम टाइम टेबल इसमें सेट किए उसके अकॉर्डिंग फैकल्टीज के पास जा कर के उनको सोल्व कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए उनकी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए कंप्लीट रिसेप्शन जो एरिया है वहाँ पर हमने अलग से स्टाफ सेट किया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण जो व्यवस्था तैयार की गई है, चाहे वो विद्यार्थियों के बैठने से रिलेटेड हो, पढ़ने से रिलेटेड हो, शुरुआत जो हम सुबह करेंगे वो एक अच्छी शुरुआत की व्यवस्था हो, चाहे वो वाहन सुविधा की व्यवस्था हो, ये सब सेटअप जो है आज विद्यार्थियों ने देखा है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलवाता हूँ कि ये जो नीट आईआईटी का आगाज बानसूर में किया गया है, ये आने वाले समय में बानसूर के विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगा जो विद्यार्थी किसी कारणवश डेमो कक्षाओं में आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिए गए हैं। वो रजिस्ट्रेशन करवा करके डेमो कक्षाएं जो है ले सकते हैं। सभी बानसूर के चारों तरफ जो भी रूट्स हैं वहाँ से आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की ओर से ऐसे विद्यार्थियों के लिए वाहन सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाई गई हैं। आप इन बसों के माध्यम से आना जाना कर सकते हैं। ये 15 मई तक नियमित आप लोगों का ये प्रोसेस जो है वो चलेगा। इसके साथ ही जो पूरा सिस्टम है उसके लिए मैं अभिभावक और विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि आप कैंपस पहुँच करके कंप्लीट सिस्टम जो है उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फैकल्टीज जो हैं उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट फैकल्टीज जो है वो आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर जो है उसके साथ में जुड़ चुकी हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर की नीट आईआईटी एनडीए की फाउंडेशन कक्षाओं से जुड़े। धन्यवाद। आज आरसीआई के ऐप ब्लॉक में डेमो क्लासेस का आज दिन था और आज मेरे साथ कुछ विद्यार्थी हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि क्लासेस लेने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा, आपका नाम और आपने कौन से माध्यम में एडमिशन लिया है? माय नेम इज निधि यादव। मैंने नीट फाउंडेशन में एडमिशन लिया। बिल्कुल, तो आप लोग की जो आरसीआई की जो आज व्यवस्थाएं हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आरसीआई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर डाउट की भी कोई समस्या नहीं आई अभी तक तो, और प्रैक्टिस सीट और सीडब्ल्यू सीट्स दी गई है। बिल्कुल बेटा, आपने कौन से माध्यम में एडमिशन लिया है और आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं? मैंने नीट फाउंडेशन में एडमिशन लिया है और आई एम 11th क्लास स्टूडेंट। बिल्कुल, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपका क्या नाम है और आपने कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया है? मेरा नाम निशु सिंह है और मैंने 11th फाउंडेशन नीट में एडमिशन लिया है। अभी सुबह से लेकर के अभी जो कक्षाएं हुई हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लगा कक्षाएं लेकर के? हमें बहुत अच्छा लगा और हम ये भी सोचते हैं कि बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है सीकर कोटा वगैरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी क्लासेस दी जाती हैं। बिल्कुल, जो बहुत सारे विद्यार्थी 10वीं क्लास के बाद में सोचते हैं कि नहीं शहरों में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शहरों की बात अलग है बट यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सेलेक्टेड आए हैं, अच्छे टीचर्स हैं, इवन डाउट्स भी सोल्व कर रहे हैं अच्छे से, हर चीज़ें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो अभी जो सुबह से अभी तक की जो कक्षाएं हुई हैं बेटा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुबह से जो कक्षाएं हुई हैं वो अभी
तक बिल्कुल ठीक है, कोई भी हमें दिक्कत नहीं आई है, सर सारे अच्छे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो आप तीनों अभी तक आपने जो डाउट लिया है उनके बारे में सेटिस्फाई हैं? सेटिस्फाई हैं, यस। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अभी मेरे साथ केमिस्ट्री फैकल्टी हैं, आरसीआई जो एप ब्लॉक है उसकी नीट विंग की। तो सर आप आज आपने डेमो क्लासेज ली बच्चों की, कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चे? बच्चों के साथ में पढ़ाने का एक अच्छा अनुभव मिला मुझे आज यहाँ पर। बच्चे सभी एनर्जेटिक हैं और कोशिश में हैं कि हम लोग भविष्य में डॉक्टर बने और बढ़िया आउटपुट देके जाएं। ये मुझे अच्छा लगा कि अदर जगह से यहाँ पर मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है बच्चों के साथ में। बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने बच्चों से इंटरसेक्शन किया होगा, तो बच्चों क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में जब बच्चे होते हैं तो उनको इतनी स्थिति का नहीं पता लग पाता है कि हम यहाँ पर पढ़े कोटा सीकर बाहर जाएं, क्योंकि आपने तो बहुत सारे अन्य संस्थानों में भी पहले अध्ययन करवाया है, तो वहाँ और यहाँ के बीच में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? यहाँ के बच्चों को सिर्फ एक जरूरत है कि उनको सही तरीके से गाइडलाइन मिल जाए, बाकी क्वालिटी शहरों से ज्यादा बच्चों में है और शहरों के बच्चों से ज्यादा पोटेंशियल वाले बच्चे, अगर इनको सही वे मिल गया ना तो ये अपने आरसीआई का अच्छा भविष्य बनाने के लिए, अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छी रैंक देने के लिए भी अपने लिए साथ में योग्यता रखते हैं। बिल्कुल सर, तो आपकी क्या प्लानिंग्स हैं सर बच्चों के लिए? अभी आप इस सेशन में आप बच्चों के लिए क्या ऐसा करने वाले हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो आपके आरसीआई में एडमिशन करवाएं? मैं बच्चों के साथ में ये कर रहा हूं कोशिश कि इंडिविजुअल में उन पर ध्यान दूं, जिससे कि वो अच्छी रैंक अचीव कर सके नीट में और भविष्य के लिए हमारा भी नाम हो और आरसीआई के साथ भी जुड़े रहे हमेशा के लिए, और गार्जियन ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एडमिशन दें। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।